Assalamu alaikum, it's me Fakhri Al-Kaili and welcome back to my channel. इस 13th रोज़ा फ्रेश एंड फ्री मास्क पढ़नी है, अभी नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ और कल जो है सहरी आफ्टर इफ्तारी जो है कि 12 बजे के बाद तो मैंने दही बड़े खाए और उसके बाद जो है मैंने चने खाए, ये वो खाए थे। सो वैसे मैं यूजुअली लेट नाइट कुछ नहीं खाती हूँ तो कल मेरा दिल कर रहा था तो इसलिए मैंने खा लिया था एंड यस और आज बहुत अच्छा जा रहा है रोज़ा एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। नींद नहीं पूरी हुई है, मैं 4:45 सोई हूँ, उसके बाद 4:30 उठी हूँ एंड उसके बाद जो है फिर आफ्टर फजर मैं 6:45 अपने सारे काम करके मैं सोने लगी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शेरू तो शेरू भी एक्टिव हो गया था, उसको थोड़ा सा मैंने खिलाया और उसके बाद जो है उसके बाद फिर मैं सोने लगी बट नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी, ना कोशिश करो नींद ही नहीं आ रही थी बट 6:30 हो गए फिर भी, फिर पता नहीं कब सोई हूँ पर सोई हूँ और अच्छे से नींद नहीं हुई है। और आज मेरी बहन जाने वाली है कहीं पे, वो कह रही है अगर तुम चल रही हो तो बताओ और मैं अभी सोच रही हूँ मैं कब तुम्हारे दोस्तों में मैं क्या करूँ तो खैर विल सी अबाउट, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते। वो एक्चुअली डिनर करने बाहर जा रही है अपने दोस्तों के साथ तो वो कह रही है अगर तुम चल रही हो तो बताओ, तो विल सी अबाउट इट। ठीक है, बन गई है और यहाँ पे ये करने वाली चीज़ें, यहाँ पे बैटर बन गया है, बना हुआ है कल का ही आई थिंक, तो आज हम कुछ खत्म नहीं करें। टैंक भी बन गया भैया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सो गई थी, आई मीन मेरी आई डोंट नो व्हाई मैं जैसे नहा के आई उसके बाद नमाज़ पढ़ी उसके बाद फिर मैं ऐसा डल हुई हूँ, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था, आई मीन मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मेरे को बड़ा सर दर्द हो रहा था और वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी मेरा उठने का, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। सो खैर उसके बाद मैंने जैसे तैसे एडिटिंग की उसके बाद फिर पोस्टिंग भी लगाई उसके बाद फिर मैं सोई हूँ और 1 घंटा सोई हूँ, आई डोंट नो हाउ इज़ पॉसिबल। और कल नींद अच्छी नहीं हुई थी इसके बहुत वजह से और नहा के आने के बाद जो ठंडे पानी से तो सही सी बात है आपको नींद आ जाती है, तो अभी उठी हूँ और जैसे उठी हुई सारी चीज़ें बन गई हैं, चार भी बन गई है, छत भी बन गया है, सारी चीज़ें बन गई है, तो आज मेरे से थोड़ा शुरू चार में खाना डालना है और उसके बाद जो है बस। और अब मैंने सोचा मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के साथ, विल सी अबाउट इट, फिर थोड़ा सा मेरी एनर्जी आऊँ, चार के बाद थोड़ी सी एनर्जी आए इंशाल्लाह, विल गो देयर। मेरा पसंद का रेस्टोरेंट नहीं आया, बस इसी जा रही हूँ खाने के लिए, देखती हूँ इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है एंड टेल यू अबाउट दैट लेटर। ओके, और अभी थोड़ा सा मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद बस अभी 6 हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इफ्तार में। और प्लीज़ कीप मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स, दुआ में याद रखिएगा, दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड डू रिमेंबर फलस्तीन एंड गजा एंड कश्मीर इन योर प्रेयर्स। ये आप आके मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं, हाँ या लो जी भाग गया, मस्ती का मूड चढ़ा हुआ है इसको, विल सी व्हाट आई एम वेरी टाइट। अच्छा जा रहा है रोज़ा, अच्छा नहीं जा रहा है रोज़ा, अच्छा जा रहा है अलहमदिल्ला, मेरा माइंड बड़ा अच्छा दर्द हो रहा है, बड़ा अच्छा दर्द हो रहा है। मैं एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ उसके बाद इफ्तारी करेंगे, अभी नहीं पीऊँगी, अभी इफ्तार करके फिर पीऊँगी ऑब्वियसली। थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रही हूँ आफ्टर सोने के बाद बिकॉज मेरा सब बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड एडिट किया मोबाइल से फेंक किया उसके बाद मैं सो गई, ठीक है ना। इफ्तार के बाद मैं मास्क करने के बाद हम तैयार होंगे, अल्लाह करे मेरे में एनर्जी हो, अल्लाह की मदद देगा इंशाल्लाह। चाट बन गई है, हम बहुत सिंपल करें आज क्योंकि आज इफ्तार हम यहाँ पे करें और डिनर हम करने जा रहे हैं बाहर, तो ऑब्वियसली आप ही के फ्रेंड्स हैं उसके साथ, पहले मैं ये सोच रही थी मैं नहीं जाऊँगी जाऊँगी और उसके लिए तो चल रही थी नहीं चलो चलती हो या नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, मैं तो अपने में होंगी ये अपने में होंगे एंड मैंने कहा क्यों ना बाहर कर खाएँ थोड़ा सा। बनाया क्यों भैया, एक ही बनाया है और ये तो एक, ये क्या होता है, ये पकोड़े हैं ना, फिर ठीक है।
जैसी। सारे शरारे पास पढ़ ली है एंड तारीख हो गई है। सो अभी 7:22 हुए, 7:30 बजे हमें निकलना है और अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ। आज हमें जाना है रेस्टोरेंट, डिनर रेस्टोरेंट है विद आवर फ्रेंड्स एंड मी राइट। एंड यू नो मैं इनको जानती हूँ और आई रियली एक्साइटेड टू मीट देम। एंड मैंने सोचा मैं क्यों ना जाऊँ, नहीं खाऊँ कुछ। सो इट्स आई मीन आई विल गिव दैट कंपनी, आई विल बी माई सेल्फ बट या दैट्स इट यार ओके नो प्रॉब्लम इफ यू खाम यार ओके। सो या अभी जल्दी हूँ, रेडी होती हूँ। एंड अभी इसने अगर मुझे देखे मैं यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कहेगी तुम यहाँ पर बैठी हो अभी तक, उठो यार और देर हो रही है वो कोई चीख मारेगी। उस वजह से मैं इसको चुप से ऑडियो बना रही हूँ और खैर अभी मैं चेंज करती हूँ, सुबह तैयार होती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एंड लेट्स सी आज मैं आपको रिव्यू दूँगी कि कैसा है आप, कैसा है अब ये रेस्टोरेंट, इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है एंड उनकी सर्विस कैसी है अभी और कैसे सामान एवरीथिंग आई विल अपडेट यू। सो या मैं ज़्यादा ऐसे ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी बट हाँ काइंड ऑफ सो स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड या। और ना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था इतना ज़्यादा, इफ्तार के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कैंसी की निगाह सारी इफ्तार करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्लीज़ वो हमें याद रखेगा। हमने डिनर कर लिया है, जो पिक्चर था अच्छी थी, आई विल अपडेट यू आफ्टर दैट। सो या अभी हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हम जाएंगे। यहाँ पे हमारी नाना मेरी साइड की फैमिली आई हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे तो बस होता है। खैर सो आई विल अपडेट यू, खाना खा लिया एंड एवरीथिंग इज डन। सो या जैसे लिए ना हम यार गोइंग बैक, रक्षा वाले का मसला था तो हम मार्ट में चले गए, वहाँ से अपने कुछ चीज़ें ली हैं, शहरों के लिए भी ली हैं, अपने लिए भी ली हैं। सो भैया ना हम यार गोइंग बैक, रक्षा आ गया।